नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव के नज़ारे दिखाने वाला हूँ और वाराणसी शहर से लेकर अपने गांव तक के नज़ारे पूरा दिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा और ये वीडियो पूरा मैं GoPro शूट करूँगा। चलिए चलते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाराणसी कैंट जंक्शन है। और दोस्तों इस समय जो देख सकते हैं आप, वाराणसी कैंट जंक्शन के पीछे जो सीनरी बन रहा है काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। बादल भी एकदम एक नंबर लग रहा है। ब्लू व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अद्भुत है। चलिए आगे चलते हैं। और अभी जहाँ पर है ये वाराणसी कैंट फ्लाईओवर है, जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं भोजूबीर। देखिए यहाँ लिखा लालपुर आवासीय योजना दाहिने साइड। और पहले यहाँ पर देखिए कट हुआ करता था इस साइड। अच्छा वो बंद कर दिया, नहीं तो ये जाम लगता है यहाँ पे। और बादल एकदम एक नंबर आ रहा है, एक नंबर। दोस्तों ये देख सकते हैं गिलट बाजार त्रिमोहनी है, सीधे चले जाते हैं आप शिवपुर। नहीं, हम लोग जाना है बहादुरपुर। यहाँ पे पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। रोड एकदम एक नंबर है। दोस्तों अभी हम लोग बहादुरपुर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बाएं तरफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का, देखिए यहाँ बिल्डिंग बन रही है। ये देखिए प्राइवेट बस है, एकदम गाना वाना बजाते हुए चल रहे आराम से लोग। वैसे इसमें सफ़र करना काफ़ी ख़तरनाक होता है, काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं सब। यहाँ रिलायंस पेट्रोल पम्प है। देखिए रोड जो बना है वो एक नंबर बना है, देख ही सकते हैं आप लोग। इस पर 60-70-80 पता नहीं चलता है। और यह रोड जो है ये वाराणसी लखनऊ राजमार्ग है। और जो जौनपुर तक का रोड है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 महीने से काम ठप है। आर्थिक स्थिति, मतलब क्या कहते हैं उसको, पैसे कमी हो गई है इस प्रोजेक्ट में, इसलिए अभी हाल ही में 2 दिन पहले अखबार में आया था कि गायत्री प्रोजेक्ट तो लिमिटेड काम कर रही है इस रोड की, थोड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रही है। मैं देख सकते पूरे इंडियन का ट्रक ही ट्रक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस बॉटलिंग प्लांट है। दोस्तों अभी हम लोग सर्विस लेन पर है। ये देखिए मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर फुटओवरब्रिज बनाया गया है आने जाने के लिए, ताकि कोई इस रोड को क्रॉस ना कर सके, क्योंकि खतरा रहता है। और इसके ऊपर से मैं नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा है इस रोड का नज़ारा। ये देखिए यह है फुट ओवर ब्रिज, कैसा लग रहा है आपको दोस्तों जरूर बताइएगा। ये रास्ता चला जाता है वाराणसी, ये चला जाता है जौनपुर। मैं आपको बीच से नज़ारा दिखाता हूँ एकदम। ये देखिए यहाँ से नज़ारा, ऐसे नहीं मज़ा आएगा, चेहरा दिखाता हूँ मैं आपको अपना। दोस्तों आपका भाई आ चुका है फुट ओवर ब्रिज पर। अब पीछे नज़ारा देखिए आप, पीछे जो रास्ता जाता है जौनपुर जाता है, और इस साइड जो रास्ता देख रहे हैं थोड़ा काला आ रहा होगा, ये चला जाता है वाराणसी। और जो बादल है इस समय एकदम एक नंबर है,
मौसम एकदम मस्त आ रहा है। हेलमेट के साथ बाल ख़राब हो गया है। पीछे देखिए रोड, गाड़ी एकदम सनसनाते हुए आ रही है, हवा भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है इस पर। आज मौसम बढ़िया, सोचा मैं गांव हो के आऊँ, पूरा राइड मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर देखिए वीडियो। और इस साइड है संजय मोटेल्स, और यहाँ पे मैंने अपना रखा है हेलमेट और बैग। चलिए आगे चलते हैं मोटर व्लॉगिंग मोड में। रास्ता थोड़ा उस साइड ख़राब था इसलिए मैं वहाँ से कट कर दिया था। देख सकते रोड कैसा है, ये रास्ता देखिए सीधा सकता है नहीं, कितना घूम कैसे गया है, सोच सकते हैं यहाँ पर कलाकारी क्या बताया जाए। गांव की सड़कें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती ही हैं। और दोस्तों, आप अगर गांव के रहने वाले हो या फिर आपका कोई गांव हो तो अपने गांव का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ देखिए कुआँ है छोटा सा, और जो बादल देख सकते एकदम एक नंबर है, इधर धान की धान खेत है पूरा। और चलिए प्राइमरी स्कूल दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए रोड बन रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा, क्योंकि नए नियम के अकॉर्डिंग जो गांव की रोड की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है जिससे और अच्छा हो जाएगा रोड। लग रहा है यहाँ पर भी बारिश हुआ है, वैसे बनारस पे बारिश सुबह हुआ था। नहीं देखिए यहाँ का स्कूल है, देखिए बच्चे स्कूल, इसलिए यहाँ पर ब्रेकर लगा हल्का सा। प्राथमिक विद्यालय करदहा विधानसभा क्षेत्र जलालपुर जौनपुर, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, इधर भी स्कूल है। और डायरेक्ट मैं मिलता हूँ घर पर यानी रूम में। दोस्तों अभी हम लोग तालाब के पास आए हैं, यहाँ पर हवा एकदम एक नंबर चल रहा है, देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर हवा कितना तेज़ चल रहा है, पास से दिखाता हूँ मैं आपको। और आपका भाई देखिए यहाँ पर है, यहाँ से नज़ारा देखिए, ये तालाब देख रहे हैं, ये बड़े पापा तालाब है, यानी मेरे दादा के भाई के लड़के का बड़े पापा लगेंगे, मछली पालन करते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा लोकेशन था, सोचा कि दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अभी कल सुबह मतलब आज भोर में बारिश हुई थी इसलिए मिट्टी गीली यहाँ पर है। देखिए मिट्टी कटान हो चुका है, ये हुईम पाइप ये अपना है। देखिए इस पर सिस्टम मछली ना जाए इसलिए जाली लगा है यहाँ पे। क्लाउड देखिए, क्लाउड दोस्तों, ये मेरे घर के बाहर का साइड है, देखिए ये वाला फोटो। ये देखिए एक, ये दिखाता हूँ खोल के मैं आपको, देखिए तीन रूम है, छोटे वाले चाचा का, बीच वाले चाचा का, और मेरे हम लोग का ये रूम। रूम में एंट्री कर लिए, ये आपका भाई, लाइट नहीं इस समय, हेलमेट मोबाइल, और ये है लेजेंड कारवा मिनी। हाँ जो दिखाने वाला था मैं आपको रूम, बगल वाला रूम क्या वो नहान घर है, दिखा देता हूँ आपको।
देखें, ये पूरा कबाड़ रखा हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर महादेव। रखा हुआ था, साढ़े पाँच। नहीं भैया, पाव रखा, पाव है ना, साढ़े पाव रखा, पहले हम बता दिए। देखा हो, वो नहीं, चला चला, वो पाव नहीं।